अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम चीचावदनी के तिरंगा चौक में मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम की दो बहुत मशहूर दुकानें हैं, जहां पे आवाम का एक जमे गफीर मौजूद है, जहां पे बहुत ज़्यादा रश में आवाम मौजूद है। आइए चलते हैं आगे और इस रश की वजह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, आपका नाम? कलीमुल्लाह। अच्छा कलीम भाई, आप बताइए कि आज ईद उल फितर का पहला दिन और लॉकडाउन इस दौरान किस तरह ईद गुजर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। अभी तो लॉकडाउन में नरमी हो गई है तो दोस्तों यारों के साथ आए हुए हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्या वजह है? रश है, गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से हर किसी की कोशिश है कि ठंडी चीज़ खाएँ, तो आइसक्रीम सबसे अच्छी चीज़ है इस गर्मी में, तो खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम अली अब्बास है। अच्छा तो भाई आप बताइएगा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाम का रश इस कुल्फा स्टोर पे, तो इस बारे से आप बताइए। हम लोग फ़िलहाल तो कसवाल से आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पार्क वगैरह में घूमना था, लेकिन पार्क तो फ़िलहाल बंद है क्योंकि लॉकडाउन है। ईद पे इंजॉय करने के लिए हम यहाँ पे दो तीन चौके के चक्कर लगाए, लेकिन हमें ये मज़ीद दिखा, हमने यहाँ पर रश देखा, हमने सोचा चले इससे कुछ जायका का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और इसे लुत्फानंदोज़ हो। अच्छा पहले जैसी ईद गुजरी? नहीं नहीं, पहले जैसी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बोरिंग गुजरी? हाँ बोरिंग है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? उस्मान। अच्छा उस्मान, आप बताइएगा कहाँ से तशरीफ लाए आप? नौ बारह से। तो इस दफ़ा ईद लॉकडाउन किस तरह आपकी ईद गुजरी? इस दफ़ा से ठीक गुजरी है। ठीक गुजरी। और आपके पास ये बंदूक पड़ी हुई है, किस सिलसिले में आपने यहाँ पर रखी हुई है? वैसे नहीं, लग तो ऐसे रहा जैसे यहाँ पे कब्जा लेने। नहीं नहीं, ये खिलौना है। इसका लाइसेंस है आपके पास? ये खिलौना है। खिलौना है, लग तो ये असली रही है। प्लास्टिक की है ये सर। अच्छा ये अगर इससे आप लोगों को डराना चाहें तो आप डरा सकते हैं? नहीं जी, ये लोग डर रहे हैं, ये देखें आप पीछे पीछे सारे दूर होके बैठे हुए। जी जी नजर आ रहा है हमको। आप यहाँ पे ईद इंजॉय कर रहे हैं इस दफ़ा कि नहीं? पहले जैसे? पहले जैसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद अमजद है। जी आपके दुकान पे बहुत ज्यादा रश है लोग? बस लोग फ्रेशमेंट चाहते हैं, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से कोई पहली फ्रेशमेंट आई है, इसलिए लोग बड़े जोशो खरोश से आइसक्रीम खाने आ रहे हैं और हम इंशाल्लाह मुहैया कर रहे हैं पूरी कोशिश से, और इंशाल्लाह आप भी चेक करें और फ्लेवर हमारे पास सभी मौजूद हैं, आप खा सकते हैं। तो ये आपका जो काम है वो पहले की तरह चल रहा है या पहले से कम? नहीं पहले से तो बड़ा ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, क्योंकि बड़ी देर बाद लोगों को फ्रेशमेंट मिली है जी, नहीं तो जे लॉकडाउन की वजह से बड़े प्रॉब्लम आए हैं आवाम को। जी बहुत ज़बरदस्त बात की अंकल ने कि यहाँ पे जो लोग हैं वो रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से जो लोग हैं वो बिल्कुल बोर हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लोग ठंडी चीज़ें खाने यहाँ पे आए हुए हैं।